किसानों की उपज क्रय कर उसका भुगतान समय पर नहीं करने पर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा फर्म गंगा ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मंडी सचिव नरेश परमार ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी प्रांगण में लाइसेंसधारी फर्म गंगा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर अकरम खान द्वारा कुल 7 किसानों की अधिसूचित कृषि उपज लहसुन क्रय कर उसका भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत मंडी समिति को प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर कार्यालय द्वारा संबंधित फर्म से भुगतान संबंधी जानकारी मांगी गई। संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत जानकारी के प्रेक्षण में पाया गया कि फर्म द्वारा शिकायतकर्ता कृषकों का भुगतान निर्धारित समय अर्थात 5 दिन के पश्चात किया गया है, जो मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37(2) का उल्लंघन होना पाया जाने से कृषि उपज मंडी समिति इंदौर द्वारा बैठक में पारित प्रस्ताव से मंडी अधिनियम 1972 की धारा 33 के तहत उक्त फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। मंडी सचिव के अनुसार किसानों का भुगतान सर्वोपरि है, जिस पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात की निगरानी रखी जाती है कि किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो, इसके लिए हम अनाउंसमेंट भी करते हैं। कई बार हमारे द्वारा प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है कि मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37(2) के तहत विकृत कृषि उपज का भुगतान कृषक उसी दिन प्राप्त कर ले, यदि उस दिन प्राप्त नहीं होता तो अगले दिन तक शिकायत अवश्य करें। कई बार ऐसा देखने में मिला है कि उनकी आपसी सहमति से भुगतान लेट होता है, और जब कभी व्यापारी की अगर स्थिति खराब होती है तो किसानों को पेमेंट का प्रॉब्लम होता है इसमें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी सजगता से काम किया जा रहा है कि किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं बने। इसी तारतम्य में गंगा ट्रेडिंग कंपनी की, जो कि अकरम खान है उसके प्रोप्राइटर, उनकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए भुगतान कराया गया था। उसके बाद में लगातार 7 शिकायत और प्राप्त हुई थी, ये अप्रैल महीने की है, और जिस दिन शिकायत प्राप्त होती है उसी दिन या उसके अगले दिन भुगतान भी करा दिया गया है। उसके बाद में संबंधित का क्रय विक्रय रोका गया था, और ये और भी देखा गया था कि कोई और किसान तो नहीं है, लेकिन उसके बाद में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। परीक्षण उपरांत संबंधित को नेचुरल जस्टिस का पूरा मौका देते हुए, उसको सुनवाई का मौका देते हुए परीक्षण में ये पाया गया कि उनके द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के तहत जो 5 दिन के अंदर भुगतान करना चाहिए वो नहीं किया है, और उसके बाद में धारा 33 के तहत उनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की गई। सर, लगातार इस तरह की शिकायतें किसान देते हैं, इसे में अब क्या बड़ा निर्णय लिया जाएगा सर मंडी समिति द्वारा? किसानों के भुगतान के मामले में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। अगर किसान कोई शिकायत करता है, किसानों को पूरी छूट है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं, मंडी के पास शिकायत आना चाहिए केवल, मौके की भी कर सकते हैं, दूरभाष पर भी कर सकते हैं, CM हेल्पलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, लिखित में भी कर सकते हैं। और यदि कोई भुगतान संबंधी कोई शिकायत आती है तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाता है और उसको भुगतान कराया जाता है। किसानों से सभी से यही अपील है कि भुगतान के संबंध में किसी भी तरह की कोई लापरवाही मंडी समिति द्वारा नहीं बरती जाती है, तो यदि उनको समय से भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो तत्काल इसकी सूचना मंडी को देना। ये एक हमारे आलू प्याज लहसुन लघु व्यापारी संघ है जिसके अध्यक्ष नियामत खान है, उनके बेटे की ही दुकान है ये, उनके बेटे का ही लाइसेंस है, और लगातार इनकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो भुगतान में देरी करते हैं। तो जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त हुई तो तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की।